Professor, yes, sir, present, sir. Edward. Edward. जी एजवर कल पढ़ाए थे सर, कुर्नो वाला, कुर्नो मॉडल. आज बता रहे हैं एजवर्ट का. ओ एजवर्ट मॉडल. इसके बाद सर बर्टन मॉडल का, इसके बाद एजवर्ट. एजवर्ट के बाद बर्टन. ओके सर. द्वैधाधिकार का सर कोई भी मॉडल अल्पाधिकार में भी लागू होगा. हाँ वही वही फर्म से नहीं एनालिसिस होता है उनको खुली का जी, इसीलिए. पक्का दो ही फर्म रहता है, अल्पाधिकार में दो या तीन या चार रहेगा, तो वो पर जो बात लागू होगा वही तीन चार पांच सात पर लागू होगा, सब पे लागू होगा. एजवर्ट का इसमें देखो तो कितना है, 1881 में एक मॉडल दिए थे ये. अच्छा हम देख लेते हैं सर बुक में. अब दिए थे एक मॉडल सर 1881 में दिए थे ना, एजवर्ट मॉडल 1881 में सर. 1881 जी सर, इसका सर मॉडल हम नहीं देखे हैं. एजवर्ट मॉडल सर वो जब पढ़ रहे थे तटस्था वक्र वाला, तो उससे पहले 1881 में उनका मॉडल पढ़े थे. हम सर देख के बताते हैं, एक मॉडल एजवर्थ दिए हैं 1881 में. 1881 होगा, 1838 था ना पिछले बार वाला. यस सर, 1881 में एजवर्थ मॉडल हम पढ़े हैं.
सर अभी जैसे नेट पे सर्च किए इसमें दिया हुआ है कि एजवर्थ मॉडल जो ड्यूपोली का दिया है द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली 1897 में इस बुक में सर ये दिया हुआ है ऐसे सर हम पूरा पूरा सर पढ़े नहीं द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली 1897 में बुक लिखा गया है 1897 में 97 सर 1897 यस सर द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली बुक है 1897 ये ड्यूपोली का इस बुक में मॉडल दिया गया है एक सेकंड रुको जो कि 1881 वाला मॉडल हम कहीं पा रहे हैं एजवर्थ मॉडल 1897 एडवर्थ मॉडल 1897 ईस्वी में सर बुक लिखा हुआ द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली किताब का नाम है सर एजवर्थ जो है वो क्या कहते हैं इंटरफेरेंस कर्व से संबंधित भी कोई मॉडल दिए हैं 1881 में द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली 1897 का है इसी में है ये वाला द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली एजवर्थ ये पुस्तक जो थी मौलिक गया इन्होंने बोली मॉडल को स्थापित किया मान्यताएं हैं इसमें इस तो बोली बाजार में दो फर्में
तो खुली बाजार में दो फर्मे रहती है, बाजार में दुकान की शाखाएं तथा परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन का उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। तो फर्में दोनों फर्में प्रतियोगिता करती हैं, बाजार में
सर इसका डायग्राम सर डिफरेंट है सर. लगा हुआ जगह जो है टोटल रेवेन्यू टीआर है. वो चाहता है कि हम उत्पादन को बढ़ाएं, कीमत को घटाता है. कीमत को घटाने से मांग बढ़ जाती है और तब फर्म ए जो है वो जी उत्पादन करता है और टू जो है वो एच उत्पादन करता है. और एक करता है सर ऊपर में जो ऊपर में जो लिखे है वो पी लिखे है, ओ पी सबसे ऊपर में ए है, ए है ऊपर में. हाँ ए बी सी है ना. यस सर, तो ए बी सी ट्रायंगल जो बन रहा है ए बी जी ए बी सी. सर ए के ऊपर में जो है सर वो ए के ऊपर पी लिखा हुआ है. यस सर, वही पूछ रहे थे सर, पी है ऊपर में, पी पी वन पी टू के लिए पी दिया हुआ है. यस सर, कल एक्सिस पी है. अभी कहते हैं कि फर्म वन जो है वो जी उत्पादन करता है और टीआर प्राप्त करता है. इस पर हम लोग पेज बदलना भी मुश्किल है.
हम दो जो है वो एच एच उत्पादन पर करता है और उसे यार पर विवन मूल्य को विवन मूल्य पर और परमान पूंजी उत्पादन करता है प्रकार अंकी बाकड़ा पढ़ने पर से कहते हैं कि मूल्य जो है जी P2 है, P2 से गिर के P1 हुआ जी, उत्पादन बढ़ा, मांग ज्यादा बढ़ने लगेगी तो फिर मूल्य जो है P2 से बढ़ के P1 से बढ़ के P2 कर देगा। तरह से P1 P2 P1 P2 के बीच में ही वो झूलता रहे। अच्छा, इसका मतलब मूल्य जो है P1 P2 के बीच में ही रहेगा। इसी तरह का आगे भी बात जो हम लोग पढ़े हैं कुर्नों में जो था सर, P1 P2 के बीच में ही मूल्य रहता था। और यहाँ तरीका दूसरा अपनाया जी, इसका डायग्राम भी सर डिफरेंट है, डायग्राम भी थोड़ा अलग है, ट्रायंगल बना के जी। प्रकार खर्च निकलता है कि दोनों फर्में
वो P2 से P1 तथा P1 से P2 परिवर्तित करेंगे तथा की मात्रा परिवर्तन हो मूल्य परिवर्तन जीवन तथा के वर्थ के विधान को कम माना जाता है परिवर्तन साधन परिवर्तन सब शुरुआती दौर का था उसमें कंसेप्शन जो है पार्सल का मांग और डिमांड और सप्लाई पॉपुलर हो रहा था 1890 में जी कब है 1800 ये 1897 है सर 97 है जी पार्सल के किताब की मार्सल के बाद सर जी ये सब जाते पॉपुलर उस समय नहीं हो पाया पार्सल का ही रह गया मार्सल Yes. ये जो है सो फॉर्म लेकर के पार्सल जब भी लेता था तो एक फॉर्म लेता जी फॉर्म की संख्या
संस्था रहती थी पूर्ण प्रतियोगिता माता पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, फर्म का कोई महत्व ही नहीं, पूरे सारे फर्मों के से उसको पढ़ोगी पढ़ के वो तैयार कर लोगी। ठीक है सर, ऐसे भी सर सबको तैयार करते जाते हैं लिख के दोबारा। सब चीज ग्रेजुएशन लेवल में नहीं रहता है, मतलब तो फिक्स रहता है वो दो टॉपिक जो है वही लोग पढ़ते। अच्छा, आगे चल करके यही सब की पूछे ऐसे सर, अगर प्रोफेसर बनना है तो नॉलेज तो होना चाहिए ना सर, तभी तो कोई कुछ पूछेगा तो उसको पढ़ा पाएंगे। नॉलेज तो आई है तुमको, तुमको थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर रुकावट है, अगर भाई योर नॉलेज परफेक्ट थी। सर आप बता देते हैं तो सर मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। अभी सर पढ़े हैं तो खुद से ही ज्यादा पढ़े हुए, आप पढ़ा देते हैं तो हर चीज नया चीज सीख जाते हैं हर टॉपिक में। सर ये सब जैसे ये सब डायग्राम सर हम नहीं पढ़े थे, आप कोई भी डायग्राम सर बनाते हैं तो उसमें नया होता है, अब पता नहीं सर बुक में ऐसा नहीं होता है, इधर के बुक सब में तो नहीं पढ़ते हैं वैसा।